अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शुक्रिया। सीन कुछ ऐसा है कि मैं अपने रूम की खिड़की खोल के तो उधर से एंट्रो ले रहा था, और लास्ट वीडियो आपने देखी होगी मेरी जबेल अराबी की, ठीक है। अब मैं स्टेप जो हो वो जबेल में हूँ और आपको ये वाला कैंप दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मेरी स्टोरी क्या हुई अराबिक से यहाँ आने में। स्टोरी क्या होनी, मैंने तो आगे भी आप लोगों को बताया कि नौकरी कर रहे हैं और जैसे कंपनी वालों ने कहना है, जहाँ कहना है, जिस टाइम कहना है, उस टाइम हमें जाना पड़ेगा। तो इस वजह से जी अराबिक से यहाँ आना पड़ा। दो दिन की ट्रैवलिंग की थकावट काफ़ी होगी, बहुत ज़्यादा थकावट होगी। दो दिन मुसलसल तकरीबन 29 घंटे, 29.5 घंटे की ट्रैवलिंग थी। 29.5 घंटे बाद हम यहाँ पहुँचे। ये रूम मिला मुझे, रूम में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अभी सो के उठा था, अभी मैस हो के सारा पड़ा हुआ। और जी अभी सामान ऐसे भी ख़राब है क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ। ये बैग पड़ा हुआ है इस रूम में, बिल्कुल खेल हूँ। अलमारियाँ खाली पड़ी हुई हैं, छोटा सा ये कमरा है। इधर से मैंने एंट्रो, इस खिड़की से एंट्रो ली थी। एक लकड़ी का गेट लगा हुआ है, एक दूसरा जो है वो शीशे का। तो ये यहाँ पे लगी हुई थी ऐसे कि बाहर से रोशनी जो है, चलो नहीं लग रही, ये लगी हुई थी, मैंने हटा दी थी कि बाहर से रोशनी ना आए। लेकिन लग क्यों नहीं रही, अब इसको चेक करते हैं, लग क्यों नहीं रही। चले लगी, ऐसे लगी हुई थी ये कि बाहर से सुबह के टाइम रोशनी ना आए, तो मैंने हटा दी। मैंने कहा वीडियो बनानी है तो नेचुरल जो वीडियो में रोशनी आती है उसका अपना ही मजा है। और ये जो आपको पीछे शोर आ रहा होगा ना, शोर वो एसी के, एसी की आवाज़ है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा एसी का है। आपको इधर का अपने बाहर का थोड़ा सा एरिया दिखाता हूँ। नॉट स्मोकिंग, हाँ ये जी कुछ इस तरह के रूम है। रूम सबके ऐसे दरवाजे लगे हुए हैं, सबके यहाँ पे रूम है। और वैसे ये भी समझ लें कि कंटेनर की तरह ही है। ये भी मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊंगा, ये कंटेनर की तरह ही है। C8 में मैं हूँ और C7 ऐसे कंटेनर बने, लेकिन कंटेनरों के अंदर एक रूम है ना, कंटेनर के अंदर एक रूम है। एंटर होते साथ ही इधर से मेरा रूम आ जाता है। मैं आपको सारा विजिट करवाऊंगा इंशाल्लाह। इसको हटा देते हैं, बाहर से रोशनी जो है वो आने देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम धूप अच्छी है और अंदर भी आएगी तो सही है। मैं यहाँ पे पहुँचा ना तो ये वाला जब रूम दिया ना उन्होंने मुझे, कमरे में आया हूँ, ये लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट जो है ना दूसरी लगी हुई थी, ये वाली नहीं लगी थी। अच्छा मैं आया हूँ, इसको ऑन किया मैंने, रात का टाइम था तकरीबन 9:30 बजे का, ऑन हो गई। मैं आया हूँ, देखा कमरे में कोई भी नहीं, मैं सामान सामून रखा, लाइट ऑन की, काफ़ी 2-3 दफ़ा स्विच ऑफ ऑन ऑफ ऑन किया, फिर जाके स्विच ऑन हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा शायद स्विच का मसला होगा इस वजह से नहीं हो रही। फिर क्या हुआ जी, फिर जी सुबह हुई, रात को मैं थकावट की वजह से सो गया, सुबह हुई, सुबह उठाऊँ ऐसे ही पर्दे को मैंने हटा दिया था रोशनी आने के लिए। अभी अभी जैसे हटाया ना, सेम ऐसी
कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वीडियो में आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, दोपहर को ना मैंने कहा चले, बिल्कुल चली गई थी, अंधेरा टाइप कमरे में हो गया था, घर वालों से बात करनी थी। मैंने कहा जी चलें इसको क्या नाम है ऑन करें, लाइट को, लाइट ऑन कर रहा हूँ, लाइट ऑन नहीं हो रही। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही, काफ़ी दफ़ा फिर 3-4 दफ़ा स्विच ऑन हो, फोन ऑफ, फोन ऑफ, फोन ऑफ करता रहो, कोई सीन नहीं, कोई बात नहीं। मैं कहा यार ये क्या हो गया। अच्छा फिर कंप्लेन लेटर में उधर गया हूँ डैम ऑफिस के पास, वहाँ पे कंप्लेन की मैंने कि सर इस तरह मेरे रूम की लाइट नहीं जा रही। अब वो आए, उन्होंने आके देखा कि मैं रूम में अकेला हूँ, तो मुझे कह रहे अपना रूम एक्सचेंज कर ले। मैं कहा ठीक है जी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा थोड़ा टाइम गुजरा है, 1 घंटा मैं उनके पास दोबारा गया कि जी सर आपने कहा था रूम एक्सचेंज करने का, तो लिहाजा आप तो मुझे बता दें मैं कौन से रूम में शिफ्ट हूँ, अपना सामान लेके जाऊँ। तो कह रहे हैं आप उसी रूम में रह लें। तो मैंने कहा यार लाइट मेरी रूम की ख़राब है, वो कहते जी इलेक्ट्रिशियन नहीं है। फिर मैंने खुद ही बाहर से लाइट खोली, बाहर वाली लाइट इधर लगा दी, इधर वाली लाइट उतार के बाहर लगा दी। फिर मैंने दोबारा नहीं उनको कहा कि यार ये मेरे लाइट का मसला है, इसका मसला है। ये थी मेरी आज तक की, अभी तक की कहानी जो मैंने आपको बताई है अराबिक से जबेल आने तक की। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको पूरे कैंप की वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी, कल इंशाल्लाह आपको पूरे मुकम्मल कैंप की ना वीडियो कल आएगी, तो ज़रूर उसको देखिएगा। और आप पिछली वीडियो को भी दिखा, मैंने देखा आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को दिखाएं, शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मुझे, मैं आगे जाऊंगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाने का मज़ा नहीं है, लेकिन आज कल मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत सपोर्ट करें, आपका दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए परदेस में रह के हर चीज़ का जब टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाता हूँ जब टाइम मिलता है। अच्छा इसी के साथ ना अली हसन को दें इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपका बहुत सारा प्यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।